आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हो यही मंदिर है, और यहाँ पे चारों ओर पूरा चित्र बनाया गया है, और यहाँ पे अभी भी पेंट नहीं किया गया। इससे इसका रौनक और बढ़ता है, आने वाले लोगों को लगता है कि यहाँ पे काफ़ी प्राचीन और काफ़ी पुराने मंदिर के तौर पे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आते थे हैं कोना कोना, जो कि गंगरेल डैम का काफ़ी लास्ट छोर है, और देख सकते इधर में पीछे काफ़ी अच्छा माहौल है, और देख सकते पीछे काफ़ी बड़ा मंदिर है जो देखने में काफ़ी प्राचीन मंदिर, काफ़ी पुराना मंदिर लगता है। लेकिन इस मंदिर को बने कुछ लगभग 7-8 साल हो रहा होगा, और देख सकते काफ़ी बड़ा है जो गंगरेल बांध है, और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से सैलानी आते हैं देखने के लिए। करीबन 2-3 सालों में ही यहाँ पे ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं, ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। YouTube में काफ़ी लोग वीडियो डालते हैं, काफ़ी वायरल होते जा रहा है, और यहाँ पे इधर देख सकते काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। यहाँ पे पिकनिक की स्पॉट के लिए भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, और इधर मेरे पीछे देख सकते काफ़ी लोग जो लकड़ी का नाव रहता है उसमें वेटिंग कर रहे हैं। और जो गंगरेल डैम वहाँ पे काफ़ी सारे बोटिंग की सुविधा है, बड़े बड़े बोट हैं। दोस्तों अभी हम लोग हैं ऊना गुना, जो कि गंगरेल डैम के किनारे का जगह है। वहाँ पे मैं आपको बता दूँ ऊना गुना कहाँ है। जब आप रायपुर से जगदलपुर की ओर जाओगे धमतरी चरावा के बीच राजा राव पठार है, वहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, कच्ची मार्ग है। और जो जगह है वो ऊना गुना एक गाँव है जो गंगरेल बांध के किनारे बसे हुए, वहाँ पे मंदिर काफ़ी सुंदर बना हुआ है, और यहाँ पे पेंटिंग नहीं किया गया है। अब पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे नए नए चित्र बनाए हुए हैं, अंदर भी है, और उसके बगल में देख सकते गंगरेल जो कि बांध का नज़ारा। यहाँ पे ग्राम समिति के द्वारा कई सारी लकड़ी के नाव चलाए जाते हैं, जहाँ पे लोग सवार हो जाते हैं, उसका रेट लगभग 50 रुपये पर व्यक्ति, और यहाँ से नज़ारा देखने के साथ सबसे अच्छा समय होता है यहाँ आने का जुलाई अगस्त, क्योंकि इस बार जो है 23 में कम बारिश होने की वजह से यहाँ पर पानी कम भरा है, नहीं तो यहाँ पे अच्छा माहौल रहता है। और आज 15 अगस्त है तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग दूर दूर से आते हैं, कई सारे यूट्यूब अपलोड होने के बाद फिर यहाँ पे लोग होते जा रहे हैं ऊना गुना। और जस्ट इस मंदिर के आपके सामने दिखाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं ऊंचे महल जैसा बना है, एग्जैक्ट तो पता नहीं है, देख सकते काफ़ी सारे सैलानी आ चुके हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। मैं अब इसके बाद बस्तर जाने हैं, वहाँ कई सारे वाटरफॉल और कई सारी जगह दिखाएंगे, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। देख सकते हो मंदिर काफ़ी पुराना और प्राचीन जैसा लगता है देखने, और पूरे मंदिर के राउंड काफ़ी सारे मूर्ति बनाए हैं। मैं आपको अंदर जा के दिखाता हूँ किस प्रकार से है, और यहाँ पे है मंदिर का इंटर करने का रास्ता, और देख सकते हैं इस प्रकार से काफ़ी सारे भगवान वगैरह का यहाँ पे मूर्ति इस दीवार पे बनाया गया है। आगे इधर बगल में और रूम है, इधर और है, और इधर चलते हैं, देख सकते काफ़ी बड़ा बना हुआ है, और यहाँ पे है कुंड के आकार पे इस प्रकार से देख सकते हो। काफ़ी ऊपर काफ़ी अंधेरा है जहाँ पे चमगादड़ वगैरह रहता है, और यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से कुछ रथ जैसा बना हुआ है, और इधर इस प्रकार है, कहीं भी पेंट नहीं किया गया है, कलर नहीं किया गया है। इधर इस मंदिर का सेकंड गेट है, वो यहाँ से देख सकते हो सामने एक छोटा सा और मंदिर बनाया, और यहाँ से जो गंगरेल बांध का नज़ारा है यहाँ से देख सकते हो। और यही तीसरा गेट है जो कि इस मंदिर का फ्रंट गेट है, यहाँ पे लकड़ी वगैरह लगा दिए हैं, यहाँ से पूरा गंगरेल डैम का नज़ारा देख सकते हो। यहाँ पे दुकान वगैरह है, काफ़ी सैलानी यहाँ पे आ रहे हैं, और काफ़ी साल हो चुका है इस मंदिर को बने हुए, लेकिन वजह क्या है कि अभी तक इस मंदिर को उद्घाटन नहीं किया गया है, और ना ही यहाँ पे कोई मूर्ति रखा गया है। और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सैलानी दूर दूर से आ रहे हैं,
काफ़ी कार बाइक वगैरह हैं पार्किंग के लिए भी, काफ़ी खूबसूरत जगह है।